लाए। हवा 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 पेड़ों को कौन हिलाए। हवा 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 देख इसे कोई नहीं पाए। हवा 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 कौन पतंग को नाच न जाए। हवा 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 धूल उड़ा कर पता न जाए। हवा 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 कौन पतंग को नाच न जाए। हवा 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 धूल उड़ा कर पता न जाए। हवा 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 कागज को कौन उड़ा ले जाए। हवा 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 भूसा को कौन हटाए। हवा 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 कागज को कौन उड़ा ले जाए। हवा 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 भूसा को कौन हटाए। हवा 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 पवन चक्की कौन चलाए। हवा 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 पवन चक्की कौन चलाए। हवा 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 कपड़ों को कौन सुखाए। हवा 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 पंखे को जब खूब हिलाए। हवा 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 पंखे को जब खूब हिलाए। हवा 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 देखे से कोई नहीं पाए। हवा 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 पेड़ों को कौन हिलाए। हवा 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 देख इसे कोई नहीं पाए। हवा 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 हवा। बच्चों आज मैं तुम्हें हवा की कहानी सुनाता हूँ। हाँ भैया सुनाओ। सुनोगे? हाँ। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक हवा का जादू का खेल दिखाओ। हाँ भैया जरूर दिखाओ। ध्यान से देखना। अरे अरे बुलबुले उड़ रहे हैं। बुलबुले से देखना। अरे अरे भैया आप तो सच में बहुत अच्छा जादू दिखाते हैं। ये देखो कितने अच्छे बुलबुले उठ रहे हैं। भैया एक बार समझ में नहीं आए। पूछो ये जो बुलबुले है ना हाँ? वो कैसे बनते हैं? अरे तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। आ रानी आ गई। आओ रानी आओ। अरे वो मुड़ा ले लो मुड़ा ले लो। आ जाओ भैया। देखो ये नली हमारे हाथ में है ना। हाँ भैया। इस नली में यहाँ भी छेद है और यहाँ भी छेद है। हाँ। इसमें से हवा निकल सकती है। तो तुम जानते हो कि हमारे चारों तरफ हवा है। हाँ जी। इस नली के अंदर भी हवा है ना। और जब हम यूं करते हैं देखो तो हमारे मुंह के अंदर भी हवा जाती है ना। हमने इस नली के अंदर फूंक मारी। इसका मतलब इस नली की हवा और हमारे मुंह की हवा ये
इस पानी में चले गए है ना, और बुलबुले उठने शुरू हो गए। अब इन ये जो बुलबुले उठे हैं ना, इसमें हवा भरी हुई है। भैया तो बुलबुलों में हवा थी? हाँ, ये देखो। तुम करो, ये देखो। हाँ करो, शाबाश, करो करो। ये देखो भैया, मैं भी एक जादू दिखाऊं? हाँ जरूर, हाँ तो दिखाओ जरूर। देखो भैया, हाँ दूसरी वाली से करती हूँ। अरे भाई अभी हुआ था। हाँ अरे रानी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। वाह वाह वाह, शाबाश शाबाश। अरे रानी, तुमने तो कमाल ही कर दिया, लेकिन ये बताओ कि जादू हुआ कैसे? ये देखो, ये मैंने एक नली ली है, इसमें एक छेद किया हुआ है। ये देखो, अब मैंने इसको यहाँ से दबा लिया और यहाँ से फूंक मारी ना, तो अब यहाँ से हवा तो नहीं निकल सकती, इसलिए यहाँ से निकलेगी। तो मैंने इसके ऊपर एक मटर का दाना रख दिया, जैसे ही फूंक मारी वो मटर का दाना नाचने लगा। और वैसे ये जादू नहीं है, ये तो हवा का कमाल है। भैया ये हवा आती कहाँ से है? भाई ये हवा कहीं से नहीं आती, हवा तो हमारे चारों तरफ है। घर में, घर के बाहर, आंगन में, रसोई में, सब जगह हवा है। ऐसा करते हैं, तुम्हें एक और खेल दिखाते हैं। अब देखो ये क्या है, कागज का टुकड़ा। इस कागज के टुकड़े को हम यहाँ रखेंगे और फिर तुम देखना क्या होगा। हाँ ठीक है। हाँ कर। ए अरे उड़ रहा है, भाग गया, फिर उड़ रहा है। अब जरा तीनों ये सोचकर बताओ कि ये कागज का टुकड़ा क्यों उड़ रहा था? हाँ सोचो सोचो। मुझे समझ नहीं आ रहा है भैया, बताओ। चलो हम बताते हैं, ये कागज का टुकड़ा हमारे नाक से निकली हुई हवा से। भाई हंसने की बात नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। ऐसा करते हैं, रामू की नाक के आगे रखते हैं और फिर देखते हैं क्या। ठीक है, मुँह सीधा करो। ये रखो। अरे उड़ रहा है, फिर उड़ रहा है। अरे फिर उड़ रहा है। अरे ध्यान से देखा। हाँ। इसका मतलब हम हवा अंदर भी लेते हैं और हवा छोड़ते भी। छोड़ते हैं। अब हमने जैसे ही नाक से हवा छोड़ी और वो हमारी नाक की हवा इस कागज से टकराई, कागज उड़ने लगा है ना। हवा हमारे चारों तरफ, हवा को ही हम अंदर लेते हैं, हवा को ही छोड़ते हैं। जितने भी जीव जंतु हैं वो सब हवा लेते हैं और हवा छोड़ते हैं। समझ में आई? हाँ भैया। हाँ भैया। अब ऐसा करते हैं, हवा के बारे में तुम्हें और बताने के लिए तुम्हें बाहर ले चलें? हाँ भैया, जरूर जरूर जरूर। बाहर चलोगे? हाँ जरूर चलो। तो भाई चलो। चलो। चलो भाई रामू, आओ भाभी, चलो चलो भाई रानी, चलो 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 चलो। हवा के बहुत सारे चमत्कार दिखाऊंगा। हाँ, मैं तो जरूर देखूंगा। हाँ इधर आ जाओ। यहाँ देखो, ये भैंस जो है ये हवा में सांस ले रही है। हाँ भैया। है ना? आओ हवा के कुछ और काम देखते हैं। अच्छा भैया चलो। अब देखो
ये गेहूं में से भूसा अलग होते देख रहे हो ना? हाँ भैया। ये भूसा गेहूं में से हवा के द्वारा ही अलग हो रहा है। अब पतंग ना, ये भी आकाश में हवा के सहारे ही उड़ती है। है भैया? हाँ। आओ मेरे साथ। अब देखो, ये हवा जो है, हम इसे ना तो पकड़ पा रहे हैं, और ना इसे देख पा रहे हैं। लेकिन जैसे हम इस हवा को महसूस कर रहे हैं, ऐसे पौधे भी महसूस कर रहे हैं, है ना? अब देखो फसल जो है हिल रही है, है ना? हवा से इधर उधर हिल रही है। आओ, देखो बादल उड़ रहे हैं ना? हाँ भैया। हवाई बादलों को उड़ाए लिए जा रही है। आओ चल। अब देखो ये जो यंत्र है ना सामने, हाँ भैया, ये देखो ऐसे ऐसे घूम रहा है। हाँ भैया। ये यंत्र किसी मशीन से नहीं चल रहा। हाँ, ये यंत्र किसी मशीन से नहीं चल रहा, बल्कि ये हवा से चल रहा है। अब देखो इस यंत्र के अंदर वो बड़े बड़े पंख लगे हुए हैं ना। हाँ जी भैया। बड़े बड़े पंख, और ये इस तरह से घूम रहा है। हवा जो है वो यहाँ से इधर आ रही है ना, यहाँ से इधर हवा रही है, तो ये पंख भी इधर इधर घूम रहे हैं। ये देखो ऐसे 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 घूम रहे हैं। हाँ, अब देखो भैया। हाँ, इस तरफ से हवा तो क्या उस तरफ को यूं चलेगी? हाँ, जहाँ जिस तरफ से हवा आएगी वो उस तरफ को घूमेगा। अब देखो हवा इस तरफ को आ रही है ना। हाँ, तो यंत्र इधर को चल रहा है, और ये किसी मशीन से तो चल नहीं रहा है। तो इस यंत्र को हवा चक्की कहते हैं। हवा चक्की, हवा से चल रहा है ना, तो इसे हवा चक्की या पवन चक्की कहते हैं। अब देखो वो गांव में वो हाथ वाला पंप चलाते हैं ना, वो हाथ से यूं झुक कर यूं चलाते हैं, हम पंप पानी निकलता है। तो ऐसे ही इस पवन चक्की से ये लंबा सा पाइप देख रहे हो? हाँ भैया। ये लंबा सा पाइप जो है ये जुड़ा हुआ है, और वो देखो वहाँ से पानी भी निकल रहा है। पानी निकला ना वहाँ से, वो हाथ वाला काम जो है ये वो पवन चक्की कर रही है। अब समझ में आई? क्या इसका मतलब हमारे चारों ओर हवा ही हवा है? हाँ, हमारे चारों ओर हवा ही हवा। चार बातें ध्यान रखा करो, हवा जो है हमारे चारों तरफ होती है। अरे दीपा, तुम पानी में बैठकर यहाँ क्या कर रही हो? अरे मानू भैया, यहाँ आओ, तुम्हें एक खेल दिखाती हूँ। आ भी आओ, देखे जरा दीपा हमें क्या खेल दिखा रही है। चलो। ये देखो भैया, मक्के को पानी के अंदर डुबोने से पानी में बुलबुले उठ रहे हैं। लेकिन ये मिट्टी का घड़ा तो खाली था। दीपा, ये कोई खेल नहीं है, तुम्हें पता है ये पानी के बुलबुले कैसे उठते हैं? नहीं रानी, नहीं, तुम ही बताओ। अच्छा देखो, अब बताओ कि मिट्टी के घड़े में क्या है? अरे रानी, इसमें तो कुछ नहीं, ये तो बिल्कुल खाली है। ये इधर आओ, मैं बताता हूँ। ये देखो, ये मिट्टी का घड़ा खाली नहीं है, इसमें हवा भरी हुई है, है ना? अब हवा के बारे में दो बातें याद रखना। एक तो हवा को हम छू नहीं सकते, दूसरा हम हवा को देख नहीं सकते, लेकिन हम हवा को महसूस कर सकते हैं, है ना? अब देखो ये मिट्टी का घड़े में इसमें हवा भरी हुई है। हाँ। अगर अब मैं इसे पानी में डालूं, पूरी तरह से डाल दूं, लेकिन इसमें पानी नहीं भरेगा, है? करके दिखाऊं? हाँ भैया। ये देखो इसमें हवा भरी हुई है, हमने इसे उल्टा किया और ये डुबो दिया पानी में। ये देखो अब इसमें पानी नहीं भरेगा।
सचमुच भैया इसमें तो पानी भरता ही नहीं। अब देखो ये मटका इसमें हवा भरी हुई है। हाँ। अब मैं इसको दोबारा पानी में डुबोता हूँ, लेकिन अब की बार मैं इसे थोड़ा सा टेढ़ा करूंगा, है ना। हाँ। अब टेढ़ा करने से देखते हैं क्या होगा। हाँ। ठीक है। हाँ। करो। हाँ भैया। हाँ। ये देखो पानी में डाला। हाँ। इसे थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं। अब देखो ये बुलबुले निकल रहे हैं और पानी अंदर जा रहा है। ये बुलबुलों के रूप में हवा बाहर आ रही है। मतलब चीज के अंदर हवा थी वो तो निकल गई और पानी अंदर घुस गया, जो हवा थी वो बुलबुलों के रूप में बाहर निकल गई। हाँ। अब मैं समझ गया कि मटके के अंदर क्या था। बिल्कुल ठीक। अब ऐसा करते हैं हमारे घर चलते हैं, वहाँ मैं तुम्हें हवा के कुछ और चमत्कार दिखाऊंगा। हाँ भैया चले। हाँ चलो चलो। ये वही वाला खेल दिखाएंगे, वो पुराना वाला। हाँ वही वाला दिखाना। वही वाला दिखाना, वो जो जूम दिखाना। लोग बैठो, मैं भी आता हूँ। अच्छा भैया वही वाला बड़ा मजा आता है। हाँ भैया ऐसा करो भानु, तुम जाके वो स्टूल लेकर आओ, मैं पानी लेकर आता हूँ। ध्यान से देखना। सब बताओ ये क्या है? ये है कांच की पिचकारी। अब ऐसा करते हैं गिलास में थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। भाई जब हम होली खेलते हैं तो पानी में तो रंग डालते हैं, है ना, लेकिन आज हम इस पानी के अंदर स्याही डाल लेते हैं। थोड़ा सा रंग आ जाना चाहिए ना। ये देखो थोड़ा सा डालेंगे बस। कितना अच्छा लगता है। पानी देना। अब देखो ये पिचकारी अभी तो खाली है, बिल्कुल खाली है ना। अब इस पानी को हम इस पिचकारी में भर लेते हैं। ठीक है। हाँ। देखना ध्यान से देखना। अरे भर गया, भर गया पानी। अब देखो इस पिचकारी में पानी भर गया ना, है ना। अब हम जैसे ही इसे दबाएंगे देखना क्या होगा। अच्छा भैया ये देखो मैं दबा रही हूँ, निकल रही है, निकल रही है ना। खत्म हो गया। अब दोबारा करते हैं। हाँ करो। भर गया, भर गया ना पानी। हाँ भैया, है ना। अब देखो फिर हम इसे उल्टा करके दबाएंगे, देखो क्या होगा। देखो है ना। अब देखो अब तो इसमें कुछ नहीं है। नहीं भैया, कुछ नहीं है ना। नहीं भैया। ऐसा करो राम, जरा मिट्टी लेकर आओ थोड़ी सी। बस 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 बस, मिट्टी को यहाँ रखो। अब ध्यान से देखना। पिचकारी तो खाली है, है ना। हम जैसे दबाएंगे देखना क्या होगा। है ना। ये उड़ गया भैया। तो मिलाओ ये हमारे हाथ में, दो लो 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 लो। तुम करो, ये लो। उड़ गई है। हाँ करो। ये उड़ गई है, उड़ गई। अब ये तो पिचकारी खाली थी बिल्कुल। अब जरा तुम लोग ही सोचकर बताओ कि ये हाथ में रखी मिट्टी उड़ कैसे गई। भैया चलो मैं ही बताता हूँ। ये पिचकारी खाली नहीं थी। अब देखो ये तो तुम जानते हो कि हमारे चारों तरफ हवा है, यहाँ पे बाहर सब जगह हवा ही हवा है। हाँ भैया। अब जैसे हमने पिचकारी यूं करी इसके अंदर हवा भर गई, है ना। यूं छोड़ा तो हवा बाहर निकल गई, है ना। अब जैसे ही हमने यूं किया इसके अंदर हवा भर गई,
और जब हाथ पर रखी मिट्टी की तरफ हमने इसको आगे यूं करके और जैसे ये दबाया तो इसमें से हवा निकल कर हाथ पे रखी हुई मिट्टी पर लगी है और मिट्टी हवा से उड़ गई। भैया तुम्हें हवा के कुछ और खेल पता है? हमें हमें हवा के बहुत सारे खेल आते हैं। देखो इसको यहाँ रख देते हैं, फेंक दो मिट्टी, फेंक दो, इसको भी यहाँ रख देते हैं। अब जरा पानी को आगे ले देते हैं, पानी को ऐसे कर देते हैं। अब ये देखो एक बोतल है। हाँ भैया। ये इस बोतल का मुंह है और पीछे से यहाँ से हमने इस बोतल को काट लिया, ठीक है। अब हवा जो है वो यहाँ से जाती है और यहाँ से निकल जाती है, है ना। हवा इसके आर पार जा सकती है। अब ऐसा करते हैं, इस बोतल के मुंह पर यहाँ पर हम एक गुब्बारा चढ़ा देते हैं। हाँ भैया, ठीक है। ये गुब्बारा है, इसे बोतल के मुंह पर चढ़ा देते हैं। लग गया। अब तुम देखना, जैसे हम इस बोतल को ऐसे पानी में डालेंगे ये गुब्बारा फूल जाएगा। हाँ चलो भैया करके दिखाओ। हाँ करके दिखाओ। अरे फूल गया। अब बाहर निकालते हैं। अरे फिर पीछे क्या कैसे हुआ? फिर डालते हैं इसे। अरे फूल गया, फूल गया, लो रानी तुम भी करके देखो। फिर पिचक गया। भैया ये बताओ ये गुब्बारा फूल कैसे गया? बात ये है कि इस बोतल के अंदर हवा भरी हुई है, है ना। अब जब हम इस बोतल को उल्टा पानी में डालते हैं तो हवा तो पानी से हल्की होती है, तो हवा इस गुब्बारे के अंदर जाती है। अब यहाँ से बाहर तो नहीं निकल सकती, नहीं भैया, क्योंकि हमने गुब्बारा लगा रखा है। हाँ भैया। तो इस गुब्बारे में हवा जाती है, गुब्बारा हाँ। फूल जाता हाँ। है ना? हाँ। इसको हमने डाला, फूल गया, फूल गया। बाहर निकाला तो पिचक गया, फिर फूल गया। समझ में आई? हाँ भैया।